देखिए ये पूरे ईयरबड्स इसके साथ आए, ये स्मॉल है, मीडियम है और ये एक्स्ट्रा लार्ज है। इसमें वैसे दिया है ये एक्स्ट्रा लार्ज है और मीडियम है, और ये एक्स्ट्रा लार्ज है और ये स्मॉल है, मीडियम जो है इसके साथ लगा है। इन दोनों में फ़र्क ऐसा है कि इसमें जो है ये प्लास्टिक पोर्शन दिया है अंदर, इन दोनों में ऐसा फ़र्क है कि ये जो पोर्शन है प्लास्टिक का ये थोड़ा हार्ड है और एक अपने को ये हो सकता है, इनको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसके लिए इन्होंने ये टिप्स दिए, अलग से ये टिप्स दिए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और जिसको कंफर्टेबल ये रहा तो ये भी यूज़ कर सकता है। और ये भी इसको लगाने के लिए दिया है, ये कैसे लगाने का मैं आपको बताता हूँ। और ये पिन दिया है और ये पिन हम उसको इसमें केबल डाल के शर्ट को हैंग कर सकते हैं ताकि हेडफोन नीचे गिर ना जाए। और ये जो हेडसेट है ये कैसे लगाने का आपको बताता हूँ। हेडसेट का ये ईयर टिप निकालने की, और ये इसमें देखो ये ऐसा, ये जो कि ये दिया है एक एक्सेसरीज दिया है, ये ऐसे इसको लगाने का है, जब भी आप जॉगिंग करेंगे तब वो गिरने का चांस रहता है, उसके लिए दिया है, तो इसको ऐसा फिट करने का। और ये ऐसा कान को एडजस्ट करके लगाने का, तो आप जॉगिंग भी करेंगे तो ये गिर नहीं जाए। इसके लिए एक बात ध्यान में रखना, अगर ये ईयर टिप्स निकल गए तो जल्दी इसमें जाता नहीं, थोड़ा बहुत हार्ड जाता है, तो आप ये ईयर टिप्स ध्यान से निकालिएगा और बराबर लगाने का। तो मैं आपको अभी एक टिप का बोलता हूँ और इसका मैं आपको साउंड का एक सैंपल दूंगा, एक रफली सैंपल होगा, तो उसमें से आप जज करने का कि आपको कैसा साउंड आउटपुट चाहिए, और मेरा ओपिनियन मैं वो भी मैं बताऊँगा। और आपको बताऊंगा फंक्शन, इससे एक बार प्रेस करने से पॉज होता है, एक बार प्रेस करने से दो बार प्रेस करने से नेक्स्ट लगता है, और तीन बार प्रेस करने से 1 2 3 तीन बार प्रेस करने से प्रीवियस सॉन्ग लगता है, नहीं 1 2 3 थ्री बार प्रेस करने से प्रीवियस सॉन्ग लग जाता है। और अगर ये प्रेस करके रखेंगे तो गूगल नाउ ओपन हो जाता है, ये लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो गूगल नाउ ओपन हो जाता है। एक बार प्रेस करने से नेक्स्ट सॉन्ग, एक बार प्रेस करने से प्ले और पॉज, दो बार प्रेस करने से नेक्स्ट सॉन्ग, और तीन बार प्रेस करने से प्रीवियस सॉन्ग लग जाता है। तो इसका साउंड आप देखिए, मैं मेरा ओपिनियन बताने जा रहा हूँ। मेरा ओपिनियन इसमें ऐसा है, मेरा ओपिनियन इसके बारे में ऐसा है कि इसका साउंड आउटपुट बहुत ज़्यादा है, इसके हाईज अच्छे हैं, लोज अच्छे हैं, उसको इसका वोकल्स अच्छा है। और एक चीज़ है इसमें, एक कौन ऐसा भी है कि इसमें एक कंफर्टेबल नहीं है, जल्दी नीचे गिर जाते हैं। देखो अभी मैं इसमें सबसे स्मॉल ईयर टिप्स लगाए, फिर भी ये थोड़ा ऐसे ऐसे करने से नीचे गिर जाएगा, देखो लूज हो गया बाहर, ये इसका बहुत बड़ा कौन है। और ये मुझे ऐसे इसकी वजह से है, इसके कारण क्योंकि इसका पूरा ये मेटल हाउसिंग है, एल्युमिनियम हाउसिंग है, उसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा है। और मेरा ये ओपिनियन है कि ये 400 या 450 में इस प्राइस पॉइंट में इसका क्वालिटी बहुत बेस्ट है, कि आपको आपके कान में फील भी हो सकता है, क्योंकि मेरे कान साइज में थोड़ा फर्क है, इसलिए आपको फील भी होता है, बट इसका एल्युमिनियम होने की वजह से इसका वेट ज़्यादा है, ये नीचे गिर सकते हैं। बट और एक चीज़ है, इसका बेस इफेक्ट बहुत अच्छा है, इसका बेस इफेक्ट ट्रबल भी अच्छा है और साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है। 10 mm का इसका ड्राइवर है, 10 mm का ड्राइवर, इसलिए बास आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। माई ओपिनियन, वर्थ फॉर मनी। ऐसे ही नए रिव्यूज़ देखने के लिए मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।